नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीएन 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयान। क्रिकेटर युवराज सिंह की सगाई हो गई है। युवराज ने अभिनेत्री हेसल किट से सगाई की है। कल रात बाली में ये सगाई हुई। सूत्रों से मिली रही जानकारी के मुताबिक युवराज और हेसल पिछले एक हफ्ते से बाली में थे। दोनों आज रात को भारत वापस लौट सकते हैं। इंग्लैंड में पहली बड़ी पली बड़ी ये हेसल किट बॉलीवुड की कई फिल्मों के साथ ही रियलिटी शोज में भी काम कर चुकी हैं। दोनों के डेट करने की खबरें काफी दिनों से चर्चा पे थी। हाल ही में युवराज सिंह ने यह स्वीकार किया था कि वो जल्द ही शादी की खबरों का ऐलान कर सकते हैं। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक अगले साल जनवरी या फिर फरवरी में ये शादी के बंधन में बंध जाएंगे। युवराज सिंह फिलहाल भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि लेडी लक के साथ उनकी टीम में वापसी भी होगी। और ये तस्वीरें आप सिर्फ आईबीएन 7 पर देख सकते हैं युवराज सिंह की। बिल्कुल, और आपको बता दें कि आज रात 9 बजे हेजल और युवराज सिंह मुंबई लौट रहे हैं, भारत वापस आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमेश, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं ये सिर्फ आईबीएन 7 के पास है। कैसे ये सब पूरा प्लान को इन्होंने अंजाम दिया, कैसे इन्होंने प्लान किया था सगाई करने का, इसकी जानकारी पहले से थी क्या घर वालों को भी? ये देखिए, परिवार को पूरी जानकारी थी और दोनों बकायदा छुट्टियां मनाने पहले सिंगापुर गए और उसके बाद यूवी ने एक सरप्राइज देना था हेजल को। उसके वो सरप्राइज के लिए यूवी बाली गए, वहां पर उन्होंने हेजल को प्रपोज किया और जो सगाई की अंगूठी आप तस्वीर में देख रहे हैं वो अंगूठी पहनाई और खुद हेजल भी हैरान रहेगी। और पारिवारिक सूत्रों ने ही बताया कि परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं गया था क्योंकि युवराज एक सरप्राइज देना चाहते थे। जी पायल, बिल्कुल। और उमेश, काफी समय से युवराज भी कुछ कुछ हिंट्स तो दे ही रहे थे कि वो दिवाली के बाद या तो सगाई कर सकते हैं और फिर उनके बर्थडे के बाद वो शादी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले जब युवी का हमने इंटरव्यू किया था, पहली बार युवी शादी के बारे में खुलकर बात करते नजर आया। बड़े हंस के बात कर रहे थे कि जल्दी ही, ये वर्ड यूज किया कि जल्दी ही किस तरह जा सकती है, पता चल जाएगा, बिल्कुल शादी करूंगा लेकिन डेट तय नहीं है। तो ये संकेत मिस्टर के थे, युवी पहली बार कैमरे के सामने खुलकर शादी के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे। और अब फाइनली अब सगाई हो चुकी है, युवी ने ये सरप्राइज जो दिया है फैंस को और अपने चाहने वालों को। अब अगले साल फरवरी में एक डेट फिक्स होगी, जो उनके गुरुजी जो पंजाब में है फतेहगढ़ साहब में, वहां पर परिवार जाएगा, एक डेट लेगा और फरवरी में यूवी और हेजल की शादी होगी। जी बात बिल्कुल। उमेश, ये भी बताइए कि ये लोग आज रात को लौटने वाले हैं, कौन कौन उनको लेने पहुंच रहा है, परिवार वालों से क्या रिएक्शन सब मिल रहे हैं? जी देखिए, परिवार बिल्कुल खुश है और पहले से, क्योंकि हेजल परिवार से पहले काफी महीनों से एक दूसरे से ये टच में है। हेजल और यूवी परिवार से मिल चुकी है, हेजल परिवार को पसंद है, परिवार की हाँ है। और आज रात यूवी वापस लौट रहे हैं, बॉम्बे लौटेंगे और कल वहां से रवाना होंगे। उन्होंने बड़ौदा में रणजी खेलना है, 15 को मैच है। परिवार के सदस्य भी कुछ बॉम्बे में मौजूद हैं, जो हमें पता चला है। उनकी माता शबनम सिंह जी वो भी बॉम्बे में मौजूद हैं और हेजल और यूवी आज रात लौटेंगे। और उसके बाद एक, मुझे लगता है यूवी शायद एक अपने ट्विटर अकाउंट से ये कुछ करें या ऑफिशियली अनाउंस भी कर सकते हैं, कहा जो सुनने में आ रहा है, लेकिन परिवार के सदस्य इस समय बॉम्बे में मौजूद हैं। जी पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो युवराज सिंह ने शादी के संकेत एक बातचीत के दौरान भी दिए थे, हालांकि उन्होंने लड़की का नाम नहीं लिया था। फिर सगाई की डेट के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर पता चल गया था कि वो बैचलर लाइफ को बाय बाय कहने में अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। देखिए सगाई से ठीक पहले युवराज ने हमसे बातचीत में क्या कहा था। थोड़े ही महीनों में पता लग जाएगा कि गाड़ी किस तरफ जा रही है। कह सकते हैं कि गुंडू से आने वाली। हाँ, उम्मीद करते हैं कि शादी जल्दी हो, पर वो कब होएगी ये नहीं पता। और हरभजन सिंह के शादी के तुरंत बाद ही युवराज ने भी शादी के संकेत दिए थे। ये राज दोनों के बीच बधाई के बहाने हुई, जो ट्विटर पर हुई बातों से सामने आया था। आइए आपको दिखा देंगे कैसे हरभजन सिंह को शादी के बाद बधाई दे के बहाने छोड़ने आए युवराज, खुद ही फिरकी उस्ताद के जाल में फंस गए और शादी के राज से पर्दा उठ गया। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। पहले सुरेश रैना ने लिए सात फेरे, फिर
दिनेश कार्तिक की हुई शादी, उसके बाद गीता बसरा के हुए हरभजन सिंह और अब युवराज सिंह की बारी। जी हाँ, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, युवराज सिंह ने भी बैचलर जिंदगी को बाय बाय करने की तैयारी कर ली है। दिवाली के पहले ये शादी बम खुद युवराज सिंह ने फोड़ा है। अपने बेहद करीबी दोस्त हरभजन सिंह को बधाई देते देते युवराज ने कुछ ऐसा इशारा किया जिससे कोई भी यह अंदाजा लगा सकता है कि मामला फिक्स है। 29 अक्टूबर को हरभजन ने गीता बसरा के साथ फेरे लिए तो युवी ने छेड़ने वाले अंदाज में अपने दोस्त को बधाई संदेश भेजा। अब आप दूसरा नहीं फेंक सकते मेरे दोस्त, अब एक ही लाइन पर बने रहें। भज्जी और गीता बसरा को ढेर सारा प्यार और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं। युवराज सिंह और हरभजन सिंह की दोस्ती भारतीय क्रिकेट में आने से पहले से ही है। पंजाब की जूनियर क्रिकेट से साथ साथ खेलते खेलते दोनों सिंह ने टीम इंडिया को 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप में किंग बनाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में शादी में व्यस्त रहने के बावजूद हरभजन युवी की इस लेजेंड पर भला चुप कैसे बैठते, भज्जी ने तपाक से अपने दोस्त पर निशाना साधा। आप भी अब लाइन पर आ जाएं और सीधे सीधे खेलें, कोई कट या पूल नहीं। बस फिर क्या था, जल्दबाजी में या फिर जानबूझकर युवराज ने शादी का सीक्रेट प्लान आउट कर दिया। युवी ने हरभजन की सलाह को सिर आंखों पर लेते हुए इस ट्वीट के जरिए एक नया संकेत दे दिया। जरूर जनाब हरभजन सिंह, दिवाली के बाद मैं अब सीधा ही खेलूंगा। अब सवाल ये है कि वो मोहतरमा आखिर है कौन। हाल में बॉलीवुड अभिनेत्री हेजल किच से अफेयर की खबरें उड़ी। बॉडीगार्ड से चर्चित हुई हेजल किच अगर यूवी की हमसफर बनती हैं तो फिर क्रिकेट और बॉलीवुड के कनेक्शन में एक और चैप्टर जुड़ेगा। जो भी हो, टीम इंडिया के कई क्रिकेटर्स ने इस साल शादी की पिच में रोमांचक पारी खेली। अभी भी साल खत्म होने में 2 महीने बचे हैं। रोहित शर्मा के दिसंबर में शादी करने की खबरें तो पहले ही आ चुकी है और अब अगर यूवी भी दिवाली बम फोड़ते हैं तो फिर साल जाते जाते दो और कुंवारे क्रिकेटर्स बैचलर लाइफ को अलविदा कह देंगे। स्पोर्ट्स ब्यूरो, आई 7।